देवरिया सामूहिक हत्याकांड में मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की पत्नी ने जमीन मापी का विरोध किया। आपको बता दें कि देवरिया के रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सामूहिक हत्याकांड को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य स्वर्गीय प्रेमचंद यादव के गांव में पैमाइश कराए जाने से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। हजारों की संख्या में प्रेमचंद यादव के समर्थक धरने पर बैठ गए। पैमाइश करने गए तहसील प्रशासन की टीम ने प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने को कहा। प्रेमचंद यादव के समर्थक विरोध में नारेबाजी करने लगे। मौके पर हंगामा देख राजस्व विभाग की टीम ने गांव में पुलिस बल को बुलाकर पुलिस ने लाठियां भांजकर मौके से भीड़ को इतर बितर कर दिया। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई। इसके बाद उनके समर्थक आक्रोशित होकर सत्य प्रकाश दुबे के परिवार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और 5 लोगों की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि वहीं इसी घटना में मृतक प्रेमचंद यादव की जमीन और मकान की मापी कराई जा रही है। दोबारा पैमाइश करने पहुंची टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं मृतक प्रेमचंद यादव की पत्नी ने गलत मापी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मकान का बैनामा होने का दावा किया है और कहा कि प्रशासन के लोगों ने हमसे कोई बात नहीं की। हमारे पति इस दुनिया में नहीं है, ये हमारे घर को गिराने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है।